हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम कर रहे थे चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारी एक्सरसाइज 5A कंप्लीट हो चुकी है। उसमें हमने पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप्स क्या होते हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलीनोमियल्स, ये सब पढ़े थे। और हमने उसमें करा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 5B में हम कर रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो कल हमने कुछ सम्स करे थे ब्रैकेट वाले, मल्टीप्लाई वाले। तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक कल तक का आपका होमवर्क था। 8 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 5B एक्सरसाइज के। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करने वाले हैं। नाउ ओपन योर मैथ्स बुक, एक्सरसाइज 5B। तो बेटा एक्सरसाइज 5B में क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे को दिया हुआ है, देखिए बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई ब्रैकेट 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 5xy प्लस में 7। मैंने आपको कल बताया था कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं वो सभी टर्म्स ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म से 1/1 मल्टीप्लाई होती हैं। अब ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले तो ये देखना है टर्म्स कितनी हैं। तो देखिए बेटा ये एक टर्म है 3x² और y² एक सिंगल टर्म है। सेकंड टर्म है हमारी -5xy और थर्ड टर्म है हमारी कांस्टेंट टर्म, वो है +7। ये तीनों टर्म्स जो है ब्रैकेट के अंदर है। अब ब्रैकेट के बाहर है हमारा x²y, ये एक टर्म दिया हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट के जो बाहर वाली टर्म है ये ब्रैकेट के अंदर वाली सभी टर्म से 1/1 मल्टीप्लाई होगा। x²y इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा 1/1। तो सबसे पहले x²y को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म से। अभी मैं मल्टीप्लाई कर दे रही, सिर्फ आपको शो कर रही हूँ, ठीक है, माइनस एज इट इज। उसके बाद x²y इससे मल्टीप्लाई होगा 5xy से, ठीक है बेटा। उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद x²y मल्टीप्लाई होगा 7 से। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो है कोई भी नंबर नहीं है, तो इट मीन्स ये 1 है और यहाँ पर है 3, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3। नंबर को हमने नंबर से कर लिया, अब वेरिएबल्स को हम वेरिएबल से करेंगे और सेम टाइप के वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो टोटल कितने हो गए एक्स की पावर 4। पावर्स क्या हो जाएंगी, एड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में। उसके बाद यहाँ एक वाई है और यहाँ वाई स्क्वायर है, तो टोटल वाई कितने हो गए 3, तो वाई की पावर 3, क्योंकि वाई का मतलब क्या है, वाई की पावर 1 और 1 पावर और ये 2 पावर, तो टोटल पावर हो गई 3, तो हमने ऐड कर लिया। माइनस का साइन एज इट इज। अब यहाँ देखिए 1 है और ये 5 है, तो 1 को 5 से करेंगे आ जाएगा 5। एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो आ जाएगा एक्स की पावर 3, ठीक है बेटा। अब वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई का मतलब क्या है, वाई की पावर 1 और ये भी वाई की पावर 1, तो टोटल हो गया वाई 2, तो हो गया वाई की पावर, पावर्स को ऐड कर लिया। प्लस एज इट इज यहाँ पर 7 को एक्स स्क्वायर वाई से करेंगे तो 7 का 7 और 7 एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। हमने तीनों टर्म्स को 1/1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म बनी है वो है एक्स की पावर 4 वाई की पावर 3, या एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2, या एक्स की पावर 2 और वाई। इन तीनों टर्म्स में से क्या कोई भी एक ऐसी टर्म है जिनके जो है वेरिएबल्स बिल्कुल सेम हो, नहीं है, तो इट मीन्स ये कोई भी जो है इनमें से लाइक टर्म नहीं है। अगर ये लाइक टर्म नहीं है तो ना तो हम इनको ऐड कर सकते हैं ना ही हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां तक जो आया ये आपका क्या हो गया आंसर, तो आपका आंसर हो गया 3x की पावर 4 y की पावर 3 माइनस 5x3 y 2 प्लस में 7x²y, ये आपका हो गया इसका आंसर, ठीक है बेटा। ये तो था क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ब्रैकेट के अंदर 4 टर्म्स दी हुई हैं और ब्रैकेट के बाहर एक टर्म है -2c²। ये ब्रैकेट के अंदर जो 4 टर्म्स हैं उनसे 1/1 मल्टीप्लाई होगा, सेम ऐसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में करा है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आप खुद करेंगे बेटा, बिल्कुल सेम है, 9 की तरह ही है। इसके बाद मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें हमारा एक डेसिमल वाला पार्ट आ रहा है,
तो देखिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा 100x ब्रैकेट में 0.01x माइनस में 0.19y सेट। ठीक है बेटा, तो देखिए ब्रैकेट के अंदर टू टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है हमारी 0.01x और सेकंड टर्म है माइनस 0.19y सेट। अब ब्रैकेट के बाहर है 100x, तो ये 100x वाली जो टर्म है ये ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म से 1/1 मल्टीप्लाई होगा, तो 100x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम शो करते हैं इसके अंदर 100x किससे मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले 0.01x से, उसके बाद माइनस एज इट इज, अब 100x किससे मल्टीप्लाई होगा 0.19y z से। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए बेटा ये होल नंबर है, ये डेसिमल वाला नंबर है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले ये जो डेसिमल वाला नंबर है इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, हम इसका डेसिमल रिमूव कर देते हैं। डेसिमल के बाद टू डिजिट्स है तो टू जीरोस नीचे आ जाएंगी, हमने डेसिमल रिमूव कर दिया, ये x एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज, 100x एज इट इज, इसका भी डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं तो हमारे पास दो जीरो नीचे आ जाएंगे y सेट, तो हमने डेसिमल रिमूव कर लिया। अब हम इसको और सिंपलीफाई करते हैं, तो देखिए बेटा 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर कट रहा है हमारा, तो 100 को 100 से कट कर दिया, यहाँ रह गया x और यहाँ भी रह गया x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज। यहाँ भी देखिए बेटा 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ ऊपर रह गया 19 और यहाँ रह गया एक्स वाई और जेड। ठीक है बेटा, तो हमने इनको सोल्व कर लिया, तो सोल्व करने पर आंसर आया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 19xyz। अब ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स है, इनको आगे सोल्व नहीं कर सकते हम, ऐड या सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम यहीं पर ही छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है वो सिंपलीफाई के क्वेश्चंस हैं, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पे करा देती हूँ 13 या 14 में से, और एक क्वेश्चन आप बेटा खुद करेंगे। ठीक है बेटा, बेटा मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 14, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 3 माइनस में 5y स्क्वायर प्लस में एक्स ब्रैकेट एक्स वाई स्क्वायर माइनस में 3x ब्रैकेट क्लोज माइनस 2y ब्रैकेट y माइनस में 2x स्क्वायर y। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन में हमारे को सिंपलीफाई करना है, यहाँ देखिए हमारे को 3 ब्रैकेट्स दी हुई है, यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट को देखिए, फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर है x स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर है 3 माइनस में 5y स्क्वायर, तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म है x स्क्वायर ये इन दोनों टर्म से 1/1 मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो हम x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है हमारा, नेक्स्ट में नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर है एक्स वाई स्क्वायर माइनस में 3x, अब इस ब्रैकेट के बाहर भी x है तो ये x जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा 1/1। इसी तरह से नेक्स्ट ग्रुप के अंदर थर्ड ग्रुप में देखिए इस ब्रैकेट के बाहर है माइनस 2y, तो माइनस 2y इससे भी मल्टीप्लाई होगा y से भी और माइनस 2x स्क्वायर y से भी मल्टीप्लाई होगा 1/1। तो 1/1 सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले x स्क्वायर को करेंगे 3 से, ध्यान से देखेंगे जब हम x स्क्वायर को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब आप कहोगे कि मैम आपने x स्क्वायर 3 क्यों नहीं लिखा, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो न्यूमेरिकल टर्म होती है नंबर वाली टर्म, नंबर को पहले लिखते हैं और वेरिएबल को बाद में लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो हम इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर, उसके बाद माइनस x स्क्वायर को 5y स्क्वायर से करेंगे तो 5 का तो 5 ही रहेगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर ये एज इट इज ही रहेंगे, यानी कि आप इन दोनों की पावर को ऐड कर दो, x की पावर 4 लिख दो या y की पावर 4 लिख दो, नहीं ये दोनों जो है अलग अलग वेरिएबल है, ये अलग अलग वेरिएबल है तो इनकी पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है, तो x स्क्वायर अलग से रहेगा और y स्क्वायर अलग से रहेगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मींस ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, प्लस एज इट इज, उसके बाद x को x y स्क्वायर से करेंगे, जब हम x को x से करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 2 और ये y स्क्वायर एज इट इज। ठीक है बेटा, अब प्लस को माइनस से करेंगे, प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पर 1 है यहाँ 3 है तो 1 को 3 से करेंगे 3, अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट ग्रुप में देखिए बेटा माइनस एज इट इज,
y को y से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा y स्क्वायर। उसके बाद माइनस टू वाई मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई से। साइन को साइन से करेंगे, माइनस को माइनस से करेंगे आ जाएगा प्लस, टू को टू से करेंगे आ जाएगा फोर। अब यहां कोई x वाली टर्म नहीं है, x स्क्वायर वाली एज इट इज रहेगी। y को y से करेंगे आ जाएगा y स्क्वायर। तो हमने तीनों ग्रुप्स में मल्टीप्लीकेशन कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया और ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। अब हम इसमें से लाइक टर्म चूज करते हैं, क्या इसमें कोई लाइक टर्म्स के ग्रुप बन रहे हैं या नहीं बन रहे। सबसे पहले देखो फर्स्ट टर्म है हमारी x स्क्वायर वाली, इसमें वेरिएबल है हमारा x स्क्वायर। क्या x स्क्वायर वाली और कोई टर्म है हमारी? है, एक ये है x स्क्वायर वाली टर्म और एक ये है जिन पे मैंने टिक किया है। तो इन दोनों लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिख देते हैं 3x स्क्वायर और उसको भी उठाकर इसके पास लिख देते हैं। ये फर्स्ट लाइक टर्म का ग्रुप हमने एक साथ लिख दिया। सेकंड है हमारा x स्क्वायर y स्क्वायर वाली और कोई है? देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर वाली एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। तीन टर्म्स है हमारी x स्क्वायर और y स्क्वायर वाली, ठीक है। तो ये भी लाइक टर्म्स का ग्रुप है, इनको भी हम साथ में लिख लेते हैं। इसको हम इसलिए साथ में लिख रहे हैं लाइक टर्म्स को ताकि हम इनको सॉल्व कर सिंगल टर्म बना लें, ठीक है। उसके बाद ये हो चुका है हमारा, फिर रह गया हमारा y स्क्वायर वाली, और y स्क्वायर वाली सिर्फ एक ही टर्म है सिंगल, ठीक है। इसका और कोई नहीं है लाइक टर्म नहीं है, तो ये अकेली ही रहेगी अलग से, ठीक है बेटा। अब हमने जो लाइक टर्म्स के ग्रुप बनाए हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस होएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी कि ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो गए। नेक्स्ट है माइनस 5x स्क्वायर वाई, और यहाँ x स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर वाई, और माइनस 2y स्क्वायर एज इट इज। अब दोबारा से इनको सॉल्व करते हैं, माइनस 5 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस, 5 में से 5 गए 0, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये भी 0 आ जाएगा। आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा, सिर्फ अकेली जो सिंगल टर्म रहेगी वो ये रहेगी माइनस 2y स्क्वायर। तो माइनस 2y स्क्वायर इसका क्या आ गया आंसर, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 13 जो है मैंने स्किप कराया, वो नहीं कराया बोर्ड पे, वो क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 14 की तरह, वो आप खुद करेंगे। जो भी क्वेश्चंस मैं स्किप कराती हूँ वो आपको खुद करने होते हैं, और जो मैं बोर्ड में कराती हूँ वो भी करने होते हैं आपको नोटबुक में। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक, क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 13 14 ये सारे क्वेश्चन आपको अपने फेयर नोटबुक में रिटन क्लीन करने हैं। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है बेटा। तो आपका होमवर्क है 9 to 14। तो आज तक के लिए इतना ही काफी, बाकी की नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।